सभी को कैसे हैं सब आई होप सो अच्छे ही होंगे आज मैंने बनाया है कुछ नमकीन मठड़ी नमक पारे और अलग तरह की मठड़ियाँ और काजू नमकीन वाले तो चलिए देखते हैं कैसे बनाए मैंने और इंजॉय करिए और आप भी बनाइए और आप सबको हैप्पी होली वैसे तो मैं कल बात करूंगी आप सबसे लेकिन फिर भी मैंने सोचा एडवांस में बधाई दे देती हूँ आज हम बनाने जा रहे हैं मैदा से मछड़ी कितनी ही तरह की बनाएंगे तो ये मैंने लिया है एक किलो मैदा और इसमें मैं डाल रही हूँ नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं मैंने दो चम्मच से थोड़ा सा कम डाला है ये अजवाइन है इसको मैं हाथों से ही क्रश करके इसमें डाल दूँगी ये मैंने ये एक किलो मैदा में ढाई सौ ग्राम एक पाव कुकिंग ऑइल लिया है आप कोई सा भी ले सकते हैं जो भी आप खाते हैं देखो ये मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है दोनों हाथों की मदद से आप इसको अच्छे से रगड़ के मतलब इसमें ना दाने नहीं रहने चाहिए मैदा और ऑइल अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए आप ऐसे मुट्ठी बना के देखें तो ये मुट्ठी बन जाती है तो अच्छा मिक्स आपका हुआ है ठीक है अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसको टाइट सा डो लगा लूँगी अभी आपको टाइट लगेगा ये बाद में फिर अच्छा हो जाता है सॉफ्ट थोड़ी देर रेस्ट के लिए जब हम इसे रखते हैं मैं इसको अच्छे से गूथ रही हूँ देखो ये गूथ के तैयार हो गया है ये जुड़ता नहीं है एक साथ आसानी से जब आप रेस्ट करने के लिए रख देंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएगा अच्छा सा तो ये देखो ये हो गया है अब मैं इसको रख दूँगी कपड़ा ढक के रेस्ट करने के लिए मैंने इसे ढक दिया है ट्वेंटी मिनट रख दीजिए आप ट्वेंटी मिनट के रख दिए तो अच्छा हो जाएगा इस आटे को लगाने में मुझे एक गिलास और दो दो तीन चम्मच एक्स्ट्रा पानी लगा है एक गिलास से थोड़ा सा ज़्यादा ठीक है ये मैंने आधा किलो मैदा अलग ली है इसकी मैं बनाऊंगी कसूरी मेथी वाली मछड़ी जो बाज़ार में आपको मिलती है ना थोड़ा आ, उसमें ग्रीन ग्रीन से पत्ते रहते हैं तो वो उस तरह की तो ये भी आटा मैं साथ के साथ लगा रही हूँ इसमें मैं डाल रही हूँ एक चम्मच ही नमक डाला है बस जरा सा फालतू तो डाला है थोड़ी सी अजवाइन इसमें भी हम डालेंगे और इसमें हम डालेंगे दो चम्मच कसूरी मेथी इसे भी हाथों से अच्छे से रगड़ के आप डाल दें ये हाथों से ही पत्ते इसके बारीक बारीक हो जाते हैं मैं पैकेट ला के ना डब्बे में भर के रख लेती हूँ तो इसलिए डब्बे में है तो मैंने इसमें डाल दिया इसमें आपको ये आटा लगाने का मेथड थोड़ा सा अलग है ये कुकिंग ऑयल है सवा सौ ग्राम उसमें पिछले वाले में एक किलो था तो ये भर रहा था गिलास अभी ये आधा किलो है तो इसमें आधा गिलास लिया है और इतना ही जितना ऑयल था उतना ही मैंने इसमें पानी लिया है आधा गिलास कुकिंग ऑयल था आधा गिलास ही पानी लिया है और सबको मिक्स करके एक साथ ऐसे इसमें मैं मैदा को गूंथ लूँगी और टाइट सा एक बहुत टाइट सा डो लगा लूँगी अच्छा टाइट होना चाहिए मटड़ियों का डो मटड़ियों का डो सॉफ्ट नहीं होता नहीं तो मटड़ियाँ अंदर से कच्ची रह जाती हैं तो आप भी एकदम टाइट सा डो लगाएं, अभी इसमें थोड़ा सा पानी और लगेगा बस और पानी में इसमें नहीं लगाऊंगी ये आटा इसी से सेट हो जाएगा देखो ये आटा सेट हो गया और इसको हमें सॉफ्ट नहीं करना है मसल मसल के कि हम इसको सॉफ्ट कर लें सॉफ्ट नहीं करना है देखो जैसे ये ऐसे फट रहा है ना तो ऐसा ही होना चाहिए मछड़ियों का आटा नहीं तो मछड़ियाँ अंदर से कच्ची रह जाती हैं हमें इसे भी ऐसे ही एक साथ करके और इसको भी हम रेस्ट के लिए छोड़ देंगे कपड़ा ढक के इसको भी हम रख देंगे ट्वेंटी मिनट के लिए ठीक है और जितना मैं ये आटा लगाया है मेरा वो दूसरे वाला आटा बिल्कुल तैयार हो गया है मैं यहाँ साफ़ कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं बेल के उसको मठड़ियाँ काटूँगी वैसे तो साफ है फर्श एकदम वो ये किचन का स्लैप ही है देखो ये आटा सेट हो गया एकदम देखो मैं इसको दबा रही हूँ तो वापस आ जा रहा है तो फूल के एकदम बढ़िया हो गया ये थोड़ा सा मसल के मैं अभी इसको मैंने तीन भागों में बांट लिया इस तो इससे मैं बनाऊँगी शक्कर पारे इससे बनाऊंगी काजू और इससे बनाऊंगी मछड़ी पतले वाली काली मिर्च लगा के ठीक है तो पहले इससे बनाते हैं तो इससे ही मैंने उठा लिया और मैं, को मैं यहाँ किचन के स्लैब पे ही बेल रही हूँ इमेज इसकी एक पतली सी रोटी बेल लूँगी बड़ी सी देख रहे हैं आप इतनी थिकनेस होनी चाहिए इसकी इतनी मोटी ज़्यादा पतले वो मुझे तो कम अच्छे लगते हैं वैसे अब हमने थोड़े से पतले भी बनवाए हैं मुझसे अलग से इसको मैं चाकू की मदद से काट लूँगी आप किसी भी शेप में काट सकते हैं कोई ज़रूरी नहीं है आपको इसी तरह काटना मैंने ऐसे ही लंबे काटे हैं मैंने और इधर से भी मैं देखो आटा चिपकता नहीं है नीचे चाकू के साथ साथ ये भाग रहा है जिधर को चाकू जा रहा है उधर को ही जा रहे हैं कटने के बाद तो ऐसे ही आप सारे काट लें देखो मैंने सारे काट के अब मैंने सारों को प्लेट में रख लूँगी और अब मैंने ऑयल रख दिया था साइड में क्योंकि तब तक मैं बाकी काम करूँगी ये फ्राई होते रहेंगे और ऑयल बिल्कुल मीडियम आंच पे ही इनको आपको पकाना है बहुत तेज आंच पे अगर आप इन्हें पकाएंगे तो ये बाहर से तो ब्राउन कलर के हो जाएंगे और अंदर से रह जाते हैं कच्चे तो इसलिए इन्हें धीमी धीमी आंच पे पकने दो ठीक है देखो ऐसे धीरे धीरे पकेंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेंगे करारे क्रंची तो इधर ये हो रहे हैं तब तक मैं दूसरे ये जो मेरा दूसरे वाले लोई थी वो आटा उससे मैं ये काजू काट के तैयार करती हूँ ये मैंने एक रोटी बेल रही है मोटी सी मेरे पास ये ढक्कन है रू अफजा का आपके पास कोई भी ढक्कन हो आप उससे बना सकते हैं तो इससे ऐसे काटने की शुरुआत करेंगे देखो ऐसे ही से लेंगे ठीक है देख रहे हैं आप काजू की सेफ है ना बिल्कुल जैसे काजू होते हैं ऐसे ही आप भी बनाए देखो ऐसे ही मैं ये सारे काट लूँगी देखो ऐसे ही होते हैं जैसे काजू होते हैं बिल्कुल डिक्टो ऐसे ही लगते हैं काजू जैसे ही ऐसे ही मैं इसको सारे को कट कर लूँगी देखो मैं काट रही हूँ बीच बीच में आपको दिखा भी रही हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि ये क्या है और ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है है तो मट्टी का ही रूप पर डिजाइन भी मैटर करता है ऐसी बात नहीं है देख रहे हैं कितने प्यारे लग रहे हैं और इधर मेरे ये देख बार शक्कर पारे जो मैंने डालते एक बार के तल के तैयार हो गए इन्हें मैं निकाल लेती हूँ और अब जो मैंने वो मठड़ी छोटा आटा बचाया था उससे ये देखो अब मैंने बनवाए ये बिल्कुल पतले वाले शक्कर पारे इसके लिए मैंने देखो कितना पतला ये रोटी बेली है मैंने ये मैं काट रही हूँ और कहने लगा मम्मी मेरे लिए बिल्कुल पतले पतले से बनाओ मगर चलो ठीक है बनाते हैं मैंने ये थोड़े से उसके बिल्कुल पतले पतले से बनाए हैं उसके लिए इधर मैं बना रही हूँ उधर कढ़ाई में वो तल भी रहे हैं साथ साथ अब मैंने ये जो वो सबसे छोटे वाली लोई थी कर, तीन हिस्से किए थे उनमें से एक हिस्सा उसकी रोटी बेल रही थी मैं अब ये इधर देखो पक गए हैं तो ये शक्कर पारे तो तल के तैयार हैं काजू कटे हुए रखे हैं साइड में ये पतले वाले मैंने इसमें डाल दिए दे हैं देखो कैसे फूल गए हैं ये और ये कटोरी की मदद से मैं इसको ऐसे ताकि मठड़ी सब एक ही सेप की बने ठीक है तो मैं ये इसे कटोरी की मदद से इसमें से मठड़ियाँ काट लिया है मैंने ये है काली मिर्च इसमें मैं काटे की मदद से सब मैं छेद कर रही हूँ ताकि ये फूले ना आप ऐसे उठाएं ऐसे चार तय करें उसमें मिर्च रखें अंदर और अच्छे से दबा दें ठीक है ऐसे दबा दें ऐसे उठाएँ और ऐसे दबा दें चार तय देखो मैंने सारी बना कर रख ली है अब मैं एक तरह की और बना रही हूँ यहाँ आप ऐसे बीच में से इसमें सारों में कट लगा दें बीच बीच में कट लगाने हैं साइडें छोड़ देनी है और ऐसा फोल्ड करते हुए आप इन्हें ऐसा बंद कर दें देखो ये मैंने सारे ऐसे ही फोल्ड करके रख लिए हैं साइड देखो ये इधर मठड़ियाँ हैं और ये जो मैंने डो लगाया था वो मठड़ियों का कसूरी मेथी वाला ये वो है अब काजू तल रही हूँ मैं देखो काजू तलने के लिए डाल दें लग रहे हैं ना बिल्कुल काजू ये इतनी बारीक बारीक में सारे आटे की ऐसे लोहियाँ तोड़ लूँगी यार इन्हें बिल्कुल मसल के चिकना नहीं करना है ऐसे ही रखना है दर दरा सा ही देखो मैंने सब तोड़ ली हैं आप इन्हें हल्के हाथ से ऐसे गोल नहीं करना है ऐसे हल्का सा दबाओ बस इतना हो गया ये बस ये हल्का सा हो गया इतना दबाओ और हल्का सा ऐसे बस हो गया मैंने इन्हें ऐसे सारों को करते हुए इसमें सारे ऐसे ही करके ये इस सारे इसमें डाल दूँगी आप इसे कांटे की मदद से भी कर सकते हैं ऐसे दबा दें आप ठीक है तो एक डिजाइन भी इस पे बन जाएगा ऐसा आप करके थोड़ा सा फैला दें देखो मैंने ऐसे ही करके सारी बना ली हैं इधर काजू भी तैयार हैं बन के इन्हें मैं निकाल रही हूँ और अब मैं डाल रही हूँ ये मछड़ियाँ जो मैंने काली मिर्च से बनाई थी देखो इन बहुत हल्की आंच में सेकना है नहीं तो ये फिर ना अंदर से कच्ची रह जाए देखो ये सिक्के तैयार है मैंने डाल दिए ये जो मैंने अलग तरह की मछड़ियाँ बनाई थी और अब बारी आती है इनकी इन मछड़ियों को तलने की ये मेरी मछड़ियाँ तीन बार में तली गई हैं दो बार की तो तल को मैंने उधर रख दी ये तीसरी बार की है अब जो तली जा रही हैं ये भी तल के तैयार है अब मैं इन्हें निकाल लेती हूँ गैस कर देती हूँ बंद और अभी निकलने वाली हैं खाने के लिए तैयार हैं टेस्टी टेस्टी मछड़ियाँ बनाइए और खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए नमस्ते और देखो कितनी क्रंची बनी है बाय बाय